वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 14 फीडिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स यानी विभिन्न पशुओं का आहार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमने पहले गाय के, भैंस के फीडिंग के बारे में अध्ययन किया था, फिर हमने बकरी के बारे में अध्ययन किया, भेड़ के फीडिंग के बारे में अध्ययन किया। कुछ चैप्टर हम, कुछ टॉपिक हमारे इसमें बच गए थे जो हमारे वाली बुक में नहीं है। दूसरी बुक में से मैं आपको आज तैयार करके लेक्चर बताऊंगा। इसमें हम सबसे पहले देखें ऊँट की देखभाल व पोषण यानी केयर एंड न्यूट्रिशन ऑफ कैमल, यानी ऊँट को किस प्रकार से उसका रख रखाव करना चाहिए और उसको कैसे हम उसको चराते हैं या उसको न्यूट्रिशन कैसे देते हैं या उसका नरिशमेंट कैसे करते हैं। क्योंकि ऊँट जो है उसका खान पान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और उसे जो आहार है वो संतुलित और उचित मात्रा में देना चाहिए। ऊँट जो है वो शूडो रूमिनेंट होते हैं। आप जानते हो गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये जो है ये रूमिनेंट है यानी ये जुगाली करने वाले पशु है, लेकिन इनके पेट में यानी जो स्टोमक है वो 4 कंपार्टमेंट का होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में 4 कंपार्टमेंट होते हैं रूमन के, सॉरी इसके स्टोमक के, यानी रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। लेकिन ऊँट में जो है 4 स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, जो स्टोमक है उसके 3 पार्ट होते हैं, रूमन, रेटिकुलम और एबोमेजम। इसमें ओमेजम ऊँट में नहीं होता है, इसलिए इसको शूडो रूमिनेंट बोलते हैं। ऊँट जो है ज़्यादातर मतलब जिसको ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं चरने के लिए, तो ये अपना गुजारा कर लेता है चर के, या उसको अपने कह सकते हैं ब्राउजिंग भी कह सकते हैं, जो झाड़ियों पर से पत्तियां तोड़ तोड़ के खा लेता हूँ उसको ब्राउजिंग बोलते हैं। जैसे हमने बकरी में पढ़ा था ब्राउजिंग। विशिष्ट परिस्थितियों में जब आप उसको चरने नहीं भेज सकते या वो गर्भावस्था में है ऊँटनी या सांड, या वो दूध काल में दूध देती हो, या अधिक कार्य होने पर, घर पे अधिक काम होने की वजह से उनको चरने नहीं ले जा सकते, तो उनको स्टॉल फीडिंग कराया जाता है, यानी घर पे पिलाया जाता है। जो पश्चिमी राजस्थान है जहाँ पे पास्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पे खेती जो है वो नहरी खेती नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बरानी खेती होती है, तो वहाँ पे चरने के लिए खूब है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ऊँटों को चराने ले जाते हैं, यानी एक साथ में रेबारी होता है जो ऊँटों को चरा के लाता है। उनके पास ऊँट भी ज़्यादा होते हैं, जैसे किसी मालिक के पास 10 ऊँट है, किसी के पास 20 है। पहले तो मतलब क्या है, आज से 30 साल पहले तक लोगों के पास में जैसलमेर में, बाड़मेर में, पाली में, जोधपुर साइड में, इधर जो है सिरोही साइड में लोगों के पास में 200-200, 500-500 ऊँटों के टोड़े होते थे और वो उसको चराने ले जाते थे जंगल में, जहाँ पे पास्चर लैंड थी वहाँ पे उनको चरने खूब मिलता था। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ भी आज से 30-40 साल पहले जब खेती इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बरानी ज़मीन पड़ी रहती थी, तब लोग बाग जो है ऊँटों को चराने ले जाते थे। मतलब हालांकि यहाँ पे लोगों के पास में टोड़े नहीं होते थे, कम ऊँट होते थे, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 1 ऊँट, तो उनको चराने ले जाते थे नहर के किनारे वगैरह, जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे कीकर है, टाली है, सरेस है, ये खा लेते हैं उनको और अपना गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, गर्मियों और बरसात में जो पोषण की ज़रूरत है, बरसात में और गर्मियों के मौसम में झाड़ियाँ और पेड़ पौधों से जो पत्तियाँ लगती हैं झाड़ियों में, पेड़ पौधों में, उनसे ऊँट जो है वो अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या है, इनको चरने को कम मिलता है, इसलिए ये जो है इनको अतिरिक्त राशन जिसमें दाने शामिल है उसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी इसको अतिरिक्त राशन देना पड़ता है जिसमें दाने भी देते हैं।
ऊँटों में जो पेड़ खाने के काम आते हैं ऊँट के, उनके नाम है बरगद, बरगद का पेड़ है, पीपल है, गुलर है, मलबेरी, शीशम, आम, हरे चारे में ये जड़बेरी, बेरी जिसे बोलते हैं, कीकर है, ये पेड़ पौधे काम, पेड़ जो है इनके पत्ते खाने काम आते हैं। और जो हरे चारे हैं उसमें मोठ है, मूंग है, ग्वार है, सेंजी है, तारामीरा, शफताल और सरसों आदि है, जिनकी पत्तियां ऊँट बड़े चाव से खाते हैं। जबकि बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं की चोकर, यानी ये जो बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं इनकी चोकर जो है वो, और लिग्यूम एक्स्ट्रा, वीट एक्स्ट्रा, यानी लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती है चारे की, उनकी एक्स्ट्रा जो है वो, प्लस वीट एक्स्ट्रा और नमक आदि अलग से आवश्यकता अनुसार खिलाते हैं। वैसे ऊँट का जो चारा है ना, आप अगर देखा होगा तो ऊँट का इस डिस्ट्रिक्ट में, गंगानगर मानगढ़ में जो डिस्ट्रिक्ट में, ग्वार का जो नीरा है या चने का नीरा है, चने का नीरा या ग्वार का नीरा ऊँट बड़े चाव से खाता है, वो ये यहाँ पे खिलाते हैं। बारी खुराक के लिए, यानी हैवी डाइट के लिए, पेट भरने के लिए ऊँट को मटर की तूड़ी, ये मटर की तूड़ी या मिसा भूसा जिसे बोलते हैं, चने का जो नीरा है, ये इसका सर्वोत्तम सूखा चारा है, अच्छा चारा है। वैसे गुआर का नीरा जो है वो इसको ऊँट को वो उसको चाव से खाता है। विभिन्न आवश्यकताओं और काम करने के हिसाब से ऊँट को दाने का मिश्रण खिलाया जाता है। मतलब ऊँट काम करता है ना, जैसे ऊँट को आप गाड़ी में जोतते हो, हल जोतते हो, आदि आदि काम करते हैं, जैसे मान लो खेती बाड़ी में, तो उसको अलग से दाना खिलाया जाता है। और ये जो मिश्रण है, दाने का मिश्रण है, ये कई प्रकार के दानों को मिला के बनाते हैं, जिसमें टूटे हुए चने जो होते हैं, यानी क्रस्ट ग्राम जो है, यानी चने को दड़ के, वो इसका सर्वोत्तम आहार है कैमल का, दड़े हुए चने। अच्छा, कोई एक वयस्क ऊँट जो है, कार्यशील ऊँट, यानी जो काम करता हो, और एक अडल्ट ऊँट जो है, उसको प्रतिदिन जो है ना स्टाल फीडिंग में, घर पे हम जब चारा चलाते हैं तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो इसका एक फार्मूला दिया हुआ है, वो आप जो है इसको याद कर लेना। मैं आपको वैसे जब आपकी क्लास लगेगी तो आपको ये जो चीज़ें आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको उसके नोट्स दे दूँगा, ठीक है। मिलेट्स और ग्रेन्स, मिलेट्स होती बाजरी, या ग्रेन्स, ग्रेन में धान, गेहूँ है, जो है चावल है, ये कोई 1.8 किलो लेते हैं, इसका 1.8 किलो यानी 1 किलो 800 ग्राम लेते हैं। गेहूँ की तूड़ी या गेहूँ का भूसा जिसे हम वीट एक्स्ट्रा या भूसा बोलते हैं, वो 9 किलो लेते हैं। और उसमें ड्राई फोडर जो है वो लेते हैं 13.5 केजी ड्राई फोडर। ड्राई फोडर में क्या आता है, ड्राई फोडर में आता है चने का नीरा या ग्वार का नीरा या अब आपको बताया था मटर का भूसा जो है वो सूखे चारे में आता है। और उसको नमक देते हैं, कोमल साल्ट देते हैं 100 ग्राम। अब ये जो है ये एक कार्यशील ऊँट को, जो वयस्क ऊँट है उसकी खुराक है पर डे, जब आप उसको घर पे चराते हो। अगर आप मान लो एक वयस्क और कार्यशील ऊँट को अच्छी चराई करने जाते हो, चराई पे ले जाते हो, तो प्रतिदिन राशन में उसको कुछ इस प्रकार का राशन देते हैं। कैसा राशन देते हैं, अब एक तो वो आप चरा के लाते हो उसको अच्छी प्रकार से, फिर उसको मिलेट्स यानी बाजरी या ग्रेन्स 1.8 केजी देते हैं, और उसके साथ में रफेज यानी चारा देते हैं 3.6 किलो। यानी देखो कहाँ, तो घर पे जब खिलाते हैं तो उसको 9 किलो तूड़ी देते हैं और सूखा चारा यानी नीरा वो देते हैं 13.5 केजी, यानी कम से कम 22.5 केजी उसको सूखा चारा देते हैं, जबकि यहाँ पे सूखा चारा उसको रफेज जो है वो सिर्फ 3.6 किलो देते हैं, और नमक देते हैं 100 ग्राम। और ये उसको जब आप चरा के लिए तो घर पे उसको देना पड़ता था रात भर, फिर वो शाम को और आके चर लेगा तो फिर रात भर वो भूखा नहीं होगा। ऊँट को एज के अनुसार जो है ना, उम्र के अनुसार हम कुछ खाद्य पदार्थ का एक चार्ट है वो मैं आपको
बता देता हूँ, फिर आप इसको याद कर लेना जब आपको नोट्स दूंगा। यानी अगर ऊँट का बच्चा एक साल से कम उम्र का है, अंडर वन ईयर एज का है, तो उसको फोडर जो है, चारा जो है, वो 1.8 केजी चाहिए, नहीं 1 किलो 800 ग्राम चाहिए, और उसको कंसंट्रेट चाहिए 450 ग्राम, और उसको साल्ट चाहिए 25 ग्राम। अगर मान लो वो 1 से 2 साल की उम्र का है बच्चा जो है, ऊँट का बच्चा 1 से 2 साल की उम्र का है, तो उसको फोडर देंगे 3.600 केजी, यानी 3 किलो 600 ग्राम, कंसंट्रेट देंगे 900 ग्राम, और उसको साल्ट देंगे 50 ग्राम। अगर वो 3 साल से ऊपर की एज का हो गया, 3 साल से ऊपर की उम्र का जो ऊँट है, उसको हम ऊँट या ऊँटनी जो भी है, उसको 7 किलो 250 ग्राम उसको देंगे फोडर, और उसको 1 किलो 800 ग्राम देंगे कंसंट्रेट, और 100 ग्राम उसको साल्ट देंगे, नमक देंगे, कॉमन साल्ट। स्टड कैमल का मतलब होता है मैया ऊँट जो है ना, जो ब्रीडिंग के काम आता है, ऊँट मेल ऊँट जो ब्रीडिंग के काम आता है, जिसको मैया बोलते हैं, मैया हमारी भाषा मैया बोलते हैं उसको, उसको हम देंगे 8 किलो 250 ग्राम फोडर, और उसको 2.25 किलो देंगे हम कंसंट्रेट, और 125 ग्राम उसको साधारण नमक देंगे। अगर मान लो आप ऊँट को घर पे नहीं खिलाते हो, ऊँट को स्टॉल फीडिंग नहीं करते हो, तो उसको कम से कम 8 से 10 घंटे तक प्रतिदिन चरने के लिए भेजना चाहिए उसको, 8 से 10 घंटे चराना चाहिए बाहर उसको, जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग, ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग के लिए 8 से 10 घंटे उसको छोड़ना चाहिए। ये था ऊँट के आहार के बारे में, हम ऊँट को किस प्रकार का आहार देते हैं। अब हम देखते हैं सूअर, सूअर की देखभाल और पोषण कैसे करते हैं। सूअर, सूअर भी तो लोग पालते हैं मीट पर्पज के लिए, ज़्यादातर जो है स्वीपर कास्ट जो है गांव में शहरों में पालते हैं ज़्यादातर, और वो इसी पर्पज से पालते हैं मीट के लिए। आजकल इसको सभी लोग जो है, किसानों का रुझान इस ओर हो गया कि वो जल्दी इसका अच्छी अच्छी किस्में आते हैं, वाइट, लार्ज वाइट, यॉर्कशायर, इस तरह की ब्रीड है जो जल्दी बढ़ती है, और उसका मीट अच्छा होता है, और उनका मीट बिकता भी बहुत अच्छा है, ज़्यादातर मतलब कि छावनियों में देते हैं या जहाँ पे मीट का मार्केट है वहाँ बिकता है। अब सूअर का खान पान जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और ये उसको उचित मात्रा में संतुलित रूप से उसका देना चाहिए, क्योंकि उनको पालने में आने वाले खर्च में भोजन का बड़ा योगदान है। सूअर को पालने में उसके फीड का बहुत बड़ा योगदान है, कभी कभी ये 80% तक जो है उसका जो टोटल खर्चा होता है ना, उसका जो सूअर को पालने में जो खर्चा आता है उसका 80% तक उसके फीड पर लग जाता है। सूअर के राशन में जो सूअर का राशन होता है उसके अंदर 16% प्रोटीन होना चाहिए, लगभग 16% प्रोटीन होना चाहिए उसमें। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं भाई सूअर के आहार में प्रोटीन कितना होना चाहिए, तो लगभग 16% प्रोटीन होना चाहिए। सूअर जो है वो सर्वआहारी है, यानी ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब होता है ये घास फूस भी खा लेता है, रोटियां भी खा लेता है, और ये मीट भी खा लेता है, यानी ये लगभग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खा लेता है, और शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं और कार्य के अनुसार सूअर के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं पर, यानी उसको खाद्य पदार्थ अलग अलग एज पे अलग अलग टाइप का खाद्य पदार्थ दिया जाता है। यानी सबसे पहले होता है प्री स्टार्टर राशन, जिसको क्री फीडिंग बोलते हैं, प्री स्टार्टर राशन जिसको क्री फीडिंग बोलते हैं, ये सूखा प्री स्टार्टर फीड होता है, ये सूखा होता है यानी ड्राई होता है, जिसे क्रीप राशन या मिल्क रिप्लेसर भी कहते हैं। और ये सूअर के बच्चे को जब वे 7 से 10 दिन के उम्र के हो जाए, या उनका वेट 2 किलो हो जाए शरीर भार, तब उसको खिलाया जाता है, और तब तक खिलाते हैं जब तक कि वो 6.5 से 8.5 किलोग्राम शरीर भार में नहीं हो जाए, यानी जब तक उनका दूध छूट जाता है, वीनिंग कर देते हैं, दूध छूट जाता है, जब उनका वेट 6.5 से 8.5 किलो हो जाता है, तो उनका दूध जो है छुड़ा देते हैं, जिसको वीनिंग बोलते हैं, तब तक इसको पिगलेट्स को
ये प्री स्टार्टर राशन या क्रीप फीडिंग कराते हैं। ये जो क्रीप फीडिंग या प्री स्टार्टर राशन है ये बहुत अधिक सुपाच्य होना चाहिए, यानी हाईली पेलेटेबल होना चाहिए, मतलब स्वादिष्ट होना चाहिए, तथा इसमें प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन अधिक और जो फाइबर होते हैं वो कम होने चाहिए। यानी प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन तो ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए, लेकिन उसमें फाइबर जो है, जो तंतु जो होते हैं वो कम होने चाहिए। ये कैसे बढ़ा सकते हैं? इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि पीसी हुई पीली मक्का जो है, येलो मेज को पीस के उसका 40 भाग लेते हैं, 40% वो लेते हैं। फेंटा हुआ दूध यानी स्किम मिल्क जिसे बोलते हैं वो लेते हैं 10%, और मूंगफली की खड़ लेते हैं 10%, तिल की खड़ 10% लेते हैं, गेहूं का चोकर जो है वाइट व्हीट ब्रान जिसे बोलते हैं छणस वो 10% लेते हैं, शीरा यानी मोलासेस वही 10% लेते हैं, फिश मील 6% लेते हैं, और ब्रेवर्स यीस्ट आती है, ब्रेवर्स यीस्ट आती है वो 2% लेते हैं, और मिनरल मिक्सचर 2% और विटामिन मिक्सचर जो है उसमें मिलाते हैं 0.01%। इस प्रकार से इन सब को मिला के जो राशन बनता है उसको प्री स्टार्ट राशन या क्रीप राशन बोलते हैं। अब ये तो हो गया प्री स्टार्ट राशन, इसके बाद में आता है स्टार्ट राशन। प्री स्टार्ट के बाद में आता है स्टार्ट राशन, यानी ये लगभग प्री स्टार्ट फीड के जैसा ही होता है, जो अभी अभी मैंने बताया उस जैसे होता है, जिसे सूअर के बच्चों को विनिंग से लेकर जब वे यानी विनिंग से लेकर विनिंग तक तो हम खिलाते हैं प्री स्टार्ट राशन, और विनिंग से लेके जब वे 20 किलोग्राम शरीर भार तक हो जाते हैं तब तक उसके खिलाया जाता है स्टार्टर राशन। और प्री स्टार्ट राशन में उपस्थित स्किम्ड मिल्क पाउडर को फिश मीट मील या मीट मील द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है वैसे या वैसे ही रखा जा सकता है। यानी जो हमने देखा प्री स्टार्टर में फेंटा हुआ दूध था यानी स्किम मिल्क था, उसकी जगह इस स्टार्टर राशन में हम क्या करते हैं फिश मील ले सकते हैं या उसकी जगह मीट मील ले सकते हैं और या फिर इसी को ही ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टार्टर राशन जो क्या है, फिर इसको देते हैं हम विनिंग से लेके दूध छुड़ाने के बाद में 20 किलो भार जब तक उसको हो जाए तब तक देते हैं। उसके बाद आता है ग्रोविंग या फिनिशिंग राशन। ग्रोविंग या फिनिशिंग राशन क्या होता है कि ग्रोविंग राशन सूअर को जब वो 20 किलो शरीर भार के हो जाते हैं तब से खिलाया जाता है, और तब तक खिलाया जाता है जब तक कि वे 35 किलोग्राम शरीर भार के नहीं हो जाते, यानी 20 किलो भार के होने पर खिलाना शुरू करते हैं ग्रोविंग राशन या फिनिशिंग राशन, और जब वो 35 किलो के हो जाए तब तक खिलाते हैं। और ये तो था ग्रोविंग राशन। ग्रोविंग राशन को 20 किलो बॉडी वेट से लेकर 35 किलो बॉडी वेट तक होने तक खिलाया जाता है। और फिनिशिंग राशन, फिनिशर राशन जो है वो जब 17 किलो भार के जब तक हो जाते हैं, 35 से 17 किलो के जब तक होते हैं तब तक उसको खिलाते हैं, उसको फिनिशर राशन बोलते हैं। अब ग्रोवर राशन के 3 फार्मूले हैं, ग्रोवर राशन बनाने के 3 फार्मूले हैं, जिसमें पहले में क्या है गेहूं का चोकर लेते हैं 40%, मक्का लेते हैं 30%, मूंगफली खड़ लेते हैं 20%, फिश मील लेते हैं 7.5%, मिनरल मिक्सचर लेते हैं 2.5% और विटामिन मिक्सचर लेते हैं 0.01%। एक तो ये कंपोजिशन हो गया है एक ग्रोवर राशन का। सेकंड राशन ग्रोवर का कंपोजिशन है मक्का लेते हैं 60%, मूंगफली की खड़ लेते हैं 10%, तिल की खड़ 10%, गेहूं की चोकर 10%, फिश मील 7.5% और मिनरल मिक्सचर 2.5% और 0.01% विटामिन मिक्सचर लेते हैं। ये इसका जो कंपोजिशन ये सेकंड टाइप के ग्रोवर राशन का है। थर्ड टाइप से और बना सकते हैं ग्रोवर राशन, उसमें क्या करते हैं गेहूं की चोकर 40%, मक्का 20%, मूंगफली खड़ 10%, माइलो 10%, तिल की खड़ 10%, फिश मील 7.5%, मिनरल मिक्सचर 2.5% और विटामिन मिक्सचर 0.01%। ये 3 प्रकार के राशन जो है ग्रोवर राशन है।
अब हम ग्रोवर आसन में नॉन सीरियल आसन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नॉन सीरियल आसन जिसमें सीरियल्स यानी ग्रेन्स नहीं होते हैं, उसमें क्या लेते हैं, गेहूं के चोकर लेते हैं 70% और उसमें मूंगफली के खड़ लेते हैं 20%, फिश मील 6.5%, मिनरल मिक्सचर 3%, कॉमन साल्ट 0.5% और विटामिन मिक्सचर लेते हैं 0.01% जिसमें रोवी मिक्स आता है। सेकंड और है जिसमें राइस पॉलिशिंग है 70%, मूंगफली के खल है 20%, फिश मील है 6.5%, मिनरल मिक्सचर 3%, कॉमन साल्ट 0.5% और 0.01% विटामिन मिक्सचर। तीसरे टाइप का जो ग्रोवर आसन है जिसमें हम ग्रेन नहीं लेते हैं, सीरियल ग्रेन नहीं लेते हैं, वो क्या है, राइस पॉलिशिंग, पॉलिश राइस पॉलिश जाती है वो लेते हैं 30%, गेहूं का चोकर 30%, पीली मक्का 10%, मूंगफली की खड़ 10%, तिल की खड़ 10%, फिश मील 6.5%, 3% लेते हैं मिनरल मिक्सचर और 0.5% लेते हैं नमक और 0.01% लेते हैं विटामिन मिक्सचर। अब फिनिशर आसन जो 35 किलो बॉडी वेट से 17 किलो बॉडी वेट के बीच में देते हैं उसको फिनिशर आसन बोलते हैं। वो फिनिशर आसन में क्या क्या मिलाते हैं, उसमें मिलाते हैं गेहूं का चोकर 20%, मक्का मिलाते हैं 20% और माइलो 20%, मूंगफली की खल 20%, राइस पॉलिशिंग 10%, तिल की खल 10% और 5.5% फिश मील और मिनरल मिक्सचर 2.5% और 0.01% विटामिन मिक्सचर। और ये सबको मिला के जो राशन बनता है उसको बोलते हैं फिनिशर्स राशन, जो 35 किलो बॉडी वेट से 17 किलो बॉडी वेट का होने तक उसको सूअर को खिलाते हैं। फिर एक राशन और है फिनिशर राशन, मक्का 40%, गेहूं की चोकर 30%, तिल की खड़ 12%, मूंगफली की खड़ 12%, तिल की खड़ 10% सॉरी, मिनरल मिक्सचर 2.5%, फिश मील 5.5% और विटामिन मिक्सचर 0.01%। ये फिनिशर राशन है, जो सीरियल राशन है, ये सीरियल राशन बोलते हैं कि इसमें सीरियल ग्रेन्स लेते हैं। अब फिनिशर राशन नॉन सीरियल ग्रेन्स में, नॉन सीरियल राशन्स का अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसके दो फार्मूले हैं। एक ये है कि गेहूं की चोकर 75%, मूंगफली की खल 17%, मिनरल फिश मील लेते हैं 5%, मिनरल मिक्सचर 2.5% और 5% लेते हैं कॉमन साल्ट और 0.01% विटामिन मिक्सचर लेते हैं जिस रोई मिक्स जो आता है। सेकंड टाइप का फिनिशर राशन जो नॉन सीरियल राशन है उसमें लेते हैं गेहूं की चोकर 40%, राइस पॉलिशिंग 30%, मूंगफली की खल लेते हैं 12%, तिल की खल लेते हैं 10%, फिश मील 5.5%, मिनरल मिक्सचर 2.5% और 0.01% लेते हैं विटामिन मिक्सचर। ये था ग्रोविंग और फिनिशर आसन, यानी जब बच्चा 70 केजी बॉडी वेट का होता है तब तक उसको दिया जाता है। फिर आता है गेस्टेशनल राशन, यानी प्रेगनेंसी में राशन क्या देते हैं, जब सूअरी ब्याने वाली होती है उस टाइम उसको राशन देते हैं, उसको गर्भावस्था राशन या गेस्टेशनल राशन बोलते हैं। यानी प्रेगनेंसी या गेस्टेशन के दौरान मादा सूअर को जो अच्छा और संतुलित आहार देना चाहिए जिसमें प्रोटीन विटामिन और खनिज लवणों की अधिकता होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन खनिज लवण और विटामिन उसमें अधिक मात्रा में होने चाहिए। एक ज्ञापन सुअरी को स्वाइन को देने के लिए, मादा सुअर को प्रजनन काल के दौरान जब वो ब्रीडिंग पीरियड में होती है प्रजनन करने के समय में उसको 2 से 2.5 किलो मिश्रित खाद्य पदार्थ खिलाना चाहिए, यानी मिक्सर किया हुआ खाद्य पदार्थ खिलाना चाहिए 2 से 2.5 केजी। और गर्भावस्था के दौरान ये लगभग इसको 1.5 किलो कर देते हैं, यानी जब वो प्रेग्नेंट होने वाली या ब्रीडिंग सीजन होता है तब उसको 2 से 2.5 केजी खिलाते हैं क्या मिक्सचर, यानी दाने का मिक्सचर। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसको ये जो मिक्सचर है यानी दाना जो है इसको कम कर देते हैं, यानी इसको 1.5 किलो कर देते हैं। प्रसव से 3 से
चार सप्ताह पूर्व, यानी जब वो सूरी बहने वाली है उससे 3 से 4 सप्ताह पूर्व लगभग उसको 2.5 किलो कर देते हैं दाने को, जो दाने का मिक्सचर है उसको 2.5 किलो देना शुरू कर देते हैं। और हम इस प्रकार से भी मतलब क्या, जो मिक्सचर उसको देते हैं दाने का, वो हम ऐसे दे सकते हैं कि मक्का जो है वो 50% लेंगे और मूंगफली की खड़ 20% लेंगे। उसके बाद में गेहूं की चोकर जो है, गेहूं की चोकर यानी छणस, वो हम लेंगे 18%। उसमें शीरा मिलाएंगे, मोलासेस 5%, फिश मील 5%, मिनरल मिक्सचर 1.5%, कॉमन साल्ट 0.5% और विटामिन मिक्सचर लेंगे 0.01%। इसको राशन को मिला के और हम उसको दे सकते हैं किसको, जो गबन सूरी है या जो ब्रीडिंग पीरियड में, उसको ये दे सकते हैं। फिर होता है फरोविंग राशन। फरोविंग राशन क्या है, इसको प्रसव से 4 से 5 दिन पहले से देना शुरू करते हैं और जब वो प्रसव हो जाता है तो उसके थोड़े दिन बाद तक मादा सूरी को भारी खाद्य पदार्थ खिलाना चाहिए, बल्कि फीड खिलाते हैं। और उसके राशन से गेहूं की चोकर और जई, लेग्यूम हे जो से बोलते हैं, और डिहाइड्रेटेड लूसर्न मील जो सुखा लेते हैं वो उसको देना शुरू कर देते हैं। लैक्टेशनल राशन का मतलब है कि जब वो दूध देने लगती है, मतलब जो सूरी है, सूरी मादा सूर जो है ब्याने के बाद दूध देना शुरू करे, तब उसको जो राशन देते हैं उसको बोलते हैं लैक्टेशनल राशन। यानी मादा सूर की दूध काल के दौरान राशन की आवश्यकता गर्भावस्था के दौरान की आवश्यकता से अधिक होती है, यानी गर्भावस्था में जो आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा उसकी दुग्ध अवस्था में राशन की आवश्यकता होती है। इस दौरान इसे 5.5 से 6.5 किलोग्राम राशन प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए, जबकि हम गबन को सिर्फ 2 से 2.5 केजी देते हैं या 1.5 केजी देते हैं। लास्ट के 3-4 सप्ताह पहले उसको 2.5 किलो देना शुरू करते हैं, लेकिन लैक्टेशन में उसको 5.5 से 6.5 केजी राशन देने की आवश्यकता पड़ती है। ये था आज के चैप्टर में स्वाइन का और ऊँटों का चराने का तरीका या खिलाने पिलाने का तरीका था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर आपका थ्योरी का है, उसमें हम पोल्ट्री का राशन पढ़ेंगे, पोल्ट्री को किस प्रकार से राशन देते हैं, पोल्ट्री को, मुर्गियों को, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।